ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व x, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 343 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा न्यूमरेटर क्या दिया, ये हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 343, ठीक है, अपॉन डिनोमीटर में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो माइनस 8 है ना, इस माइनस 8 को हम जीरो साइड यानी कि आर एच एस साइड में लेकर जाएंगे, ये माइनस 8 है, इधर साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इसका साइन, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, एक्स क्यूब है माइनस ये जो 343 है, ये जो 343 है इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें तो ये 7 का होल क्यूब ये जो है 343 के बराबर होगा, यानी कि अगर आप 7 को 3 बार इंटू करेंगे तो 7 7 49 और 49 7 जो होगा वो 343 होगा, तो 343 जो है वो 7 क्यूब के बराबर है, तो इस 343 की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 का होल क्यूब, ठीक है ना। लिख दिया हमने 343 की जगह, हमने पावर में इसको लिख दिया है, अपॉन डिनोमीटर में हमारा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये आपका जो अंडर रूट ये एक्स क्यूब माइनस 7 क्यूब, ये यहाँ पर फार्मूला लगेगा, कौन सा यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा जो कि इस फॉर्मेट में है, वो लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 7 क्यूब बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है, मतलब कि इसमें जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ठीक है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपने नाइन्थ में ही पढ़ा है, टेंथ में ही पढ़ा है, इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वो है ए माइनस बी ब्रैकेट में, ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, हमें एक्स की वैल्यू क्या मिले, ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ये देखिए ए की वैल्यू, ए की जगह क्या है भाई, एक्स है, और बी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, 7 है, तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई है। तो अब यहाँ पे चलिए पुट कर देते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या, एक्स क्यूब माइनस 7 क्यूब, इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, कंपेयर कीजिए, ए की एक्स है और बी की 7 है, मैंने यहाँ लिख दिया, तो अब इसे फॉर्मूला लगा, ये क्या है, ए माइनस बी यानी कि ए क्या है हमारा एक्स है, माइनस बी क्या है हमारा 7 है, ठीक है ना। फिर ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स, ए की वैल्यू क्या है एक्स, और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ये ए बी, तो ए बी मतलब ए इंटू बी, तो ए इंटू बी इंटू कीजिए एक्स इंटू 7 क्या होगा, ये दोनों इंटू करेंगे तो 7x होगा प्लस ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है 7 है, और क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 को दो बार इंटू कीजिए 7 जा 49, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने एक्स क्यूब माइनस 7 क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया तो क्या आया, ये आया ब्रैकेट में एक्स माइनस 7, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अंडर रूट लगाइए, आप पहले अंडर रूट तो लगाना है क्योंकि यहाँ लगा हुआ है। अब ये एक्स क्यूब माइनस 7 क्यूब ये जो है अंडर रूट के अंदर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये लिखेंगे, तो क्या है वो एक्स माइनस 7, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 यही है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हमने बनाया था वो ये आया, तो इसकी जगह हमने फॉर्मूला लिख दिया इसका, अपॉन डिनोमीटर में हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 ये है इक्वल टू 8 ये है, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के अंदर ये भी है और नीचे वाला भी है, ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो हम एक सिंगल ही अंडर रूट लगा देते हैं और सिंगल रूट के अंदर ही ये दोनों को हम लिख देते हैं, x माइनस 7 और ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 लिख दिया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49, ठीक है ना। दोनों में अंडर रूट लगा हुआ, न्यूमरेटर में भी डिनोमीटर में, तो हमने एक सिंगल ही अंडर रूट लगा के एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 ये टर्म और नीचे टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 8 आया। अब देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, ये तो कट गया, तो हमारा ये लेकिन देखिए अंडर रूट के अंदर है, तो ये तो कट के 1 हो गया और अंडर रूट के अंदर क्या बच रहा है एक्स माइनस 7, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अंडर रूट के अंदर क्या बच रहा है एक्स माइनस 7 यही बच रहा है, यही तो बच रहा है ना ब्रैकेट में, यही बच रहा है, बाकी कट गया तो मैंने लिख दिया इक्वल टू 8, ठीक है ये आ गया। अच्छा ये देखिए ये अंडर रूट के अंदर है, तो ये अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना,
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो पहले इसको लिख दीजिए आप x माइनस सेवन इक्वल टू एट, ये पहले मैंने लिख दिया। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग मतलब इस तरीके से आप स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए x माइनस अंडर रूट एक्स माइनस सेवन है, इसको दो बार जब आप लिखेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x माइनस सेवन आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग किया है। स्क्वायरिंग करने से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस सेवन इक्वल टू, अब देखिए ये एट का स्क्वायर है तो इसको दो बार इंटू कीजिए, एट इंटू एट, तो ये क्या आएगा, सिक्सटी फोर आएगा, यही तो आएगा ना, सिक्सटी फोर दो बार इंटू करने पर। तो हमारे पास क्या आया, एक्स माइनस सेवन इक्वल टू सिक्सटी फोर, हमें चाहिए x की वैल्यू केवल, तो ये माइनस सेवन जो इधर साइड लेकर जाएंगे, तो क्योंकि माइनस है इधर जाएगा तो 64, और माइनस सेवन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सेवन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 64 प्लस सेवन, तो इसको प्लस कीजिए, फोर और सेवन क्या हो जाएगा, इलेवन, इलेवन का वन और सिक्स है, कैरी लगा दीजिए, 71 हमारे पास यहाँ आएगा। तो यही इसका आंसर है, मतलब कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू आएगी वो 71 आएगी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।